वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। हमारे साथ दूसरी झांकी मिल गई जिसका नाम है पुत्र स्टीयंग। तो हमारे साथ उनके इंचार्ज भी है, किस तरीके से लेकर चल रहे हैं सारे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मोरनी बने हुए सारे। तो यहाँ पर आप इनका संभाल रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा कुछ इसका। बहुत अच्छा। ये एक्चुअली ये हम लोग मथुरा से पधारे हैं। अच्छा, मथुरा से आए। हाँ, मथुरा का ग्रुप है हमारा, लेहा इन पार्टी। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि भैया जिस समय ठाकुर जी रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया था, आतिशबाजियाँ करी थी। उसी में कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर ना ही निमेश, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे राम जन्मभूमि में दीपोत्सव मनता है, ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि में भी। और राम जन्मभूमि में कृष्ण जी आए हैं तो ये अपने आप में ही एक अलग दिव्य उत्साह है, आनंद है, रोमांच है। तो हम भी राम जी के साथ में ब्रजभूमि से पधार कर यहाँ दीपोत्सव में आनंद लेने के लिए आए। यहाँ पर तैयारी कितने साल, मतलब कितने महीने पहले या फिर कितने हफ्ते पहले आप लोग स्टार्ट करते हैं? आसान बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही हम पर सूचना आती है विभाग से कि आपकी प्रस्तुति यहाँ होनी है तो हमें एक अंदर से रोमांच पैदा होता है कि हमको कुछ अच्छा करना है। तो इसके लिए हम अपनी पूरी टीम को करीब करीब महीने डेढ़ महीने पहले से ट्रेनिंग वगैरह सब देना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस हो। और दूसरी बात, भाव होना चाहिए। परफॉर्मेंस तो एक आर्टिस्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन उस चीज़ में एक भाव होना चाहिए कि भाव कैसे प्रकट हो। तो मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से सारे वॉलंटियर ये हैं, तो इनको मतलब तैयारी कैसे देते हैं? क्या कॉलेज से लिया जाता है इनको, स्कूल से लिया जाता है, कहाँ से? जी, ये सब एजुकेटेड हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये क्या परमानेंट आर्टिस्ट हैं। हमारे जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं सब जगह यही जाते हैं। तो इनको एक शिक्षा दी जाती है, जो हमारी दीदी है जो कोरियोग्राफर है नेहा जी, वो इनको सिखाती है कि आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है। ये लोग रिहर्सल करते हैं, कैचिंग पावर बहुत अच्छा होता है। अब रिहर्सल के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ, उसमें भाव कैसे आए? इनकी जो गेटअप है, मैं देख रहा हूँ कॉस्ट्यूम है जी, क्या आप लोग खुद इन्हें देते हैं या फिर ये अपने घर से अपना खुद? कॉस्ट्यूम वगैरह सब हमारे रहते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो सजना सवरना, जो इनका मेकअप रहता है, ये लोग अपने हाथ से ही अपना करते हैं, क्योंकि इनको सिखाया जाता है। क्योंकि अब जैसे सपोज करिए कि हर आर्टिस्ट, अब जैसे हमको 15 मिनट का टाइम है कि 15 मिनट में हमें परफॉर्मेंस देनी है, तो पर आर्टिस्ट के लिए पर मेकअप मैन तो नहीं रह सकता ना। तो इनको सिखाया जाता है पूरा मेकअप वगैरह करना, चेहरे पे मुख श्रृंगार करना, आप देख रहे हैं जो कि पीछे आप पूरा। हमारे साथ कृष्ण राधा जी भी हैं जी, उनसे कुछ गुफ्तगू हो जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ कृष्ण जी भी हैं, राधा जी भी हैं। जी राधे राधे चल रही है यहाँ पर। राधे राधे सभी को, मैं वृंदावन और मथुरा से आया हूँ नेहा जी के ग्रुप में, और मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है कि श्री राम की नगरी में आके, और मैं ब्रज से आया हूँ, ब्रज में तो जो आनंद है वो आनंद है, पर आज तो मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ राम की नगरी में क्या आनंद है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी राधा रानी भी बहुत खुश हैं। क्या प्यार चल रही, मतलब कितने दिनों से यहाँ पर आए हुए आप? हम लोग कल रात को आए थे, कल रात को आगे और रिहर्सल करी, उसके बाद में इस प्रस्तुति को देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम लोग मयूर नृत्य कर रहे हैं जी, जी, जी। और हमारी सारी सखियाँ हैं जी, जो कि ब्रज का माना हुआ, सबसे ज़्यादा माना हुआ ये मयूर नृत्य है, जो कि रास बोला जाता है, महारास। ठाकुर जी ने 1,18,000 लड़की सखियों के साथ में रास किया था। आपकी राधा जी भी है। राधा जी, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर, आपका क्या राय? राधे राधे जी, नहीं मेरे को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग थोड़ा सा नृत्य दिखाइए यहाँ पर, थोड़ा सा जी जी बिल्कुल। जिस तरीके से आप तैयारी देख सकते हैं यहाँ पर, क्या तैयारी इनकी है, पूरी तरीके से मथुरा से आए हुए हैं, पूरे यहाँ पर जोश उल्लास में। इन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पोज दिया जा रहा है, चारों तरफ यही है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, चारों तरफ उल्लास है। आगे राम सीता जी चल रहे हैं, पीछे हमारे राधे जी हैं, कृष्ण जी हैं। इन्होंने बताया मथुरा से आए हुए, मथुरा में जो आनंद है वो कह रहे थे क्या आनंद है, लेकिन यहाँ आकर जो इनको आनंद मिला है वाकई बता रहे हैं कि अयोध्या में राम सीता की नगरी में जो है वो कहीं नहीं है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।